प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और अहमदाबाद से केवड़िया के लिए ये ट्रेन निकल पड़ी। इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ, एक तो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं यहाँ पे, जहाँ पे बैठकर आप पूरा नजारा, जो मौसम का नजारा है, जो सौंदर्य है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। साथ ही इसकी खास बात ये है कि ये जो चेयर है ये 180 डिग्री तक घूमती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के आप बाहर का नजारा देख सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, ज्यादा बॉडी को टर्न नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चेयर टर्न होती है। साथ ही सबसे दिलचस्प बात अगर हम कहें तो ये ट्रेन जो है उसकी ऊपर की रूफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी वो नजारा लोगों को देखने मिलेगा। ये उस एसी कोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हाईटेक ये विस्टाडोम कोच है उसकी आज से शुरुआत होगी। ये स्पेशल ट्रेन के रंग ही अलग थे, ट्रेन का सफर नहीं मानो मौज मस्ती का सफर है। गुजरात की पूरी संस्कृति इस ट्रेन में समाई हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रताप नगर से जोड़ दिया। अब सैलानी सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार के लिए जा सकेंगे। जी। कैसा लग रहा है, पहला सफर करने जा रही है? मैं हमें आगे भी बोली कि न भूतो न भविष्यति, ये सिर्फ जो मोदी सरकार में ही संभव है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, वो जैसे लगता है कि मोदी साहब ने अपना दायित्व समझा है। जिस तरह से आप देखें कि पहले हमने देखा सी प्लेन, तो सी प्लेन में वही लोग जा सकते हैं जिसके पास ज्यादा मटेरियल है, यानी खमतीदार है। बाकी लोग बाय रोड जाएंगे तो लोग सोचते थे कि आम जनता का क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरकार आम जनता के लिए भी इतना ही फिक्रमंद सोचती है। हम लोग ट्रेन में काफी साल के बाद मुसाफिरी कर रहे हैं और दिस इज इंटरनेशनल लेवल का कोच बना है, इसलिए मोदी साहब को और सभी लोग उनके से जो जुड़े हुए उससे बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री रेल की पुरानी यादों में खो गए, नैरो गेज रेलवे के अपने अनुभव भी सुनाए। और उस समय इस नैरो गेज ट्रेन से हम चलते थे और ये नैरो गेज ट्रेन का मजा ये था कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाइए, कहीं पर भी उसमें चढ़ जाइए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब यहाँ 50 लाख लोग इसे देखने पहुंच चुके हैं। 8 ट्रेनों के सीधे केवड़िया से जुड़ जाने से उम्मीद की जा रही है कि अब रोजाना 1 लाख सैलानी केवड़िया पहुंच पाएंगे। गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।